माता की, भारत माता की, कोटड़ी चार भुजानाथ की, चारा के बालाजी की, देवनारायण भगवान की, सर्वेश्वर महादेव की, सिंगोली श्याम की, जोगणिया माता की, भारत माता की। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि चुनाव सभा है कि विजय सभा है। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, मैं लोग ही लोग देख रहा हूं। और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें जब आशीर्वाद देने आती है तो विजय निश्चित हो जाता है। राम स्नेही संप्रदाय की पावन पीठ को देवनारायण भगवान की जन्मस्थली को मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह जी बारहट, जोरावर सिंह जी बारहट और विजय सिंह जी पथिक की भूमि को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे परिवारजनों, कुछ महीने पहले ही मैं भगवान देवनारायण जी के 1111वें अवतरण दिवस पर एक भक्त के रूप में उनके दर्शन करने के लिए आया था। आज मैं सेवक के रूप में आप जनता जनार्दन के दर्शन करने यहां आया हूं। दो दिन के बाद 25 नवंबर को पूरे राजस्थान में मतदान है। जनता ने मन बना लिया है, जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दे दिया है। और इसी के साथ कांग्रेस सरकार के जाने की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, राजस्थान की हर मां बहन कह रही है, राजस्थान के गांव शहर धाणी के लोग कह रहे हैं, गहलोत जी गहलोत जी कौनी मिले वोट जी, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। और भीलवाड़ा के लोग कह रहे हैं, गहलोत जी वोट वोट खई ना मड़े। साथियों, भीलवाड़ा ने जब जब बुलाया है मैं तब तब यहां आया हूं, क्योंकि भीलवाड़ा ने मुझे
बिना मांगे सब कुछ दिया है। अभी मैं देख रहा हूं भगवान देवनारायण पर आस्था रखने वाले सभी नौजवानों को कांग्रेस के दिल्ली के नेता चुनौती दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गहलोत जी को फिर से सीएम बनाएंगे। ये दिल्ली का अहंकार देखिए, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का अहंकार देखिए। आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है, अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए, तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिस जिसने इस परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। मैं यहां इस तपोस्थली पर आपकी तरफ से कांग्रेस को दंके की चोट पर कहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से कहता हूं, माताओं बहनों के समर्थन से कहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार उनके बड़े बड़े दिग्गज भी बिस्तरा बोरिया लेकर घर जाने के लिए मजबूर होने वाले। और अभी मैं बांसवाड़ा से आ रहा हूं, बांसवाड़ा में मैंने उस पवित्र धरती से घोषणा की है कि अब राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिंदा नहीं हो सकती है। न गहलोत जी कभी मुख्यमंत्री अब बन पाएंगे, इस बार नहीं, कभी भी नहीं बन पाएंगे। साथियों, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का गौरव पूरे देश की आन बान शान है। लेकिन कांग्रेस के राज में राजस्थान की संस्कृति पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने जो रास्ता पकड़ा है वो राजस्थान को तबाही की ओर ले जाएगा।
भीलवाड़ा के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे यहां पर कांग्रेस सरकार में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ा है। कांग्रेस ने यहां उन्मादी लोगों को खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस सरकार रही तो यहां पलायन और बढ़ेगा, महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार और बढ़ेगा। इसलिए आज समय की मांग है कि राजस्थान सरकार से कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाए। हटाएंगे, पूरा भीलवाड़ा तैयार है, हटाएंगे, चुन चुन करके साफ कर देंगे और कांग्रेस को साफ कौन कर सकता है, कौन साफ कर सकता है? जी नहीं, आपका एक वोट साफ कर सकता है और वोट भी सिर्फ और सिर्फ कमल को ही देना चाहिए। नकली लोगों के लिए जगह नहीं होती है। मोदी वही है जहां कमल है और इसलिए हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, कमल का बटन दबना चाहिए और कांग्रेस की सफाई होनी चाहिए। मेरे परिवारजनों, किसी भी देश किसी भी राज्य के विकास के लिए नीति और निर्णय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जो नीति जनता विरोधी बनाती है और निर्णय देश विरोधी करती है। कांग्रेस की नीति आतंकियों पर नरमी की है, कांग्रेस की नीति दंगाइयों पर नरमी की है, कांग्रेस की नीति अपराधियों पर नरमी की है और कांग्रेस की नीति कट्टर भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस की इन्हीं नीतियों ने राजस्थान को अपराध में टॉप पर पहुंचाया है। कांग्रेस के इस कुशासन ने छोटी छोटी बालिकाओं तक को नहीं छोड़ा है। कोटड़ी में जो वारदात हुई उसने तो हम सभी को शर्मसार कर दिया है और ये सिर्फ अपराध का मामला नहीं है। यहां की कांग्रेस सरकार ने माहौल ही ऐसा बनाया है कि बलात्कारियों को डर ही नहीं लगता। जहां का मुख्यमंत्री खुद ये कहे कि राजस्थान की बहनें बलात्कार के झूठे मामले दर्ज कराती है, क्या कभी कोई मां बहन खुद पर इतना गंभीर आरोप लगाने के लिए पुलिस थाने जाती है क्या? क्या ये राजस्थान की माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? ये राजस्थान की माताओं बहनों पर गंभीर आरोप है कि नहीं है? जो मुख्यमंत्री खुद माताओं बहनों पर इतना गंभीर आरोप लगाए, मेरी माताएं बहने, ऐसे मुख्यमंत्री को तो एक पल रहने का अधिकार नहीं है। और जहां के मंत्री विधानसभा में बलात्कारियों को क्लीन चीट देते हैं, वहां हमारी माताएं बहनें बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं?
मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने पिछले 5 साल में राजस्थान को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने आपसे हर लीटर पेट्रोल पर 12-13 रुपया एक्स्ट्रा लूटे हैं। आपके बगल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, आपके बगल में राजस्थान में, अरे भाई आप लोग अभी भी लोग आ रहे हैं, आपका उत्साह इतना है, अपना उत्साह इतना है, अच्छा किया खुले मैदान में कार्यक्रम रख दिया, वरना ये कोई पैंडल बन ही नहीं सकता था। इतनी बड़ी सभा पैंडल में हो ही नहीं सकती भाई। देखिए आपके बगल में भाजपा सरकार गुजरात चलाती है, आपके बगल में हरियाणा भाजपा सरकार है, आपके बगल में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार है, वहां जो पेट्रोल का दाम है आपके राजस्थान में उससे प्रति लीटर 12-13 रुपया ज्यादा है। अगर आप एक दिन में 2-4 लीटर भी पेट्रोल लेते हैं तो 50-100 रुपया ये गहलोत की सरकार बिना कारण आपसे मार लेती है जी। क्या ऐसी कांग्रेस को रहने दोगे क्या? कांग्रेस ने यहां पेपर लीक माफिया को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने यहां ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना दिया, काली कमाई का जरिया बना दिया। केंद्र सरकार राजस्थान के विकास के लिए पैसे भेजती रही, कांग्रेस उसे भी लूटती रही। यहाँ भीलवाड़ा में पानी की कितनी दिक्कत रहती है ये मुझे पता है। अब भी कितने ही घरों को, हजारों लोगों को चंबल के मीठे पानी का इंतजार है, लेकिन केंद्र सरकार ने पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए जो पैसे भेजे थे कांग्रेस ने उसमें भी घोटाला कर दिया। यही कांग्रेस की पहचान है, उसे गरीब और मध्यम वर्ग की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का पंजा सिर्फ गरीब पर झपट्टा मारने वाला ऐसा नहीं है, वो गरीब को, मध्य प्रदेश को, मध्य वर्गीय लोगों को, हर किसी को तबाह करता है। कांग्रेस के सारे काले कारनामे लाल डायरी में दर्ज हो चुके हैं और इसलिए लाल डायरी का नाम सुनते ही गहलोत जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। ये गणपति प्लाजा के लॉकरों से सोना की ईंटें निकल रही है, सोने की ईंटें। आपको मालूम है ना, जयपुर में गणपति प्लाजा लॉकर तोड़े गए, क्या निकला? सोने की ईंटें। और सोने की ईंटें वहां निकलती है और गहलोत को ये सोना सोने नहीं देता है। और लाल डायरी में सीएम का बेटा खुद गारंटी दे रहा है, सीएम का बेटा खुद कह रहा है पापा की सरकार अब नहीं आएगी, अब राजस्थान का बच्चा बच्चा कांग्रेस के हर नेता को कह रहा है गहलोत जी
गहलोत जी को नहीं मिले वोट जी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान के लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस ने कल अपना गुमराह पत्र जारी किया है। इस गुमराह पत्र कांग्रेस ने वही चालाकी दिखाई है जो पिछले 7 दशकों से करती आ रही है। कांग्रेस दशकों से कह रही है कि वो गरीबी खत्म करेगी। क्या कांग्रेस देश में गरीबी खत्म कर पाई? ये भाजपा की सरकार है, ये आपका सेवक है, जिसने 5 साल में 13.5 करोड़ लोग से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यानी कि भाजपा की दिशा सही है, भाजपा का रास्ता सही है, भारत का भाजपा का मकसद नेक है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, जहां पूरा देश कह रहा है, जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। और मोदी जो गारंटी देता है वो पूरी हुए बिना चैन से नहीं बैठता। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, कांग्रेस के लोग जब अपने झूठे वादों का पुलिंदा बना रहे थे, उससे पहले ही मोदी ने अपनी गारंटी वाली गाड़ी रवाना कर दी थी। वोटिंग होने खत्म होने के बाद राजस्थान के गांवों में भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचेगी। सरकारी दफ्तर में नहीं, बल्कि आपके मोहल्ले में, आपकी धाणी में, आपके इलाके में आकर गारंटी पूरी की जाएगी। जिन बहनों को अभी पक्के घर का लाभ नहीं मिला है, जिनके घर नल से जल नहीं पहुंचा है, जिनको मुफ्त का इलाज का गारंटी कार्ड नहीं मिला है, जिन बहनों के घर मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन नहीं लगा है, जो मोदी की बीमा योजना और 3000 रुपये की पेंशन योजना से नहीं जुड़े हैं, उन सभी को आप बता देना कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके इलाके में आ रही है। वहां आप ऐसी हर योजना से जुड़ सकते हैं। मेरे परिवारजनों, राजस्थान भाजपा ने भी बहनों को, किसानों को, दलित भाई बहनों को, आदिवासियों को, हमारे युवा साथियों को बड़ी मजबूती के साथ उनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिम्मेवार पूर्ण गारंटियां दी है। कहने को नहीं कहा है, जिम्मेवारी के साथ कहा है। हर जिले में महिला थाने, थानों में महिला डेस्क और पुलिस में बेटियों की अधिक से अधिक भर्ती ये भाजपा करने वाली है। बेटी अच्छे से पढ़े, इसके लिए मुफ्त पढ़ाई के साथ साथ 2 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। भीलवाड़ा जिले में केंद्र की सहायता से भाजपा सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। राजस्थान भाजपा ने कमजोर वर्गों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 1200 रुपया देने का भी वायदा किया है। साथियों, किसान कल्याण भी भाजपा की प्राथमिकता है। राजस्थान भाजपा ने तय किया है कि किसानों के एमएसपी के साथ साथ बोनस भी दिया जाएगा। राजस्थान की भाजपा सरकार पीएम किसान सम्मान निधि 12000 रुपये कर देगी। मैं पशुपालक साथियों को भी बता दूं कि केंद्र सरकार गोवर्धन योजना चला रही है। इसके तहत राजस्थान में डेयरी उद्योग के विस्तार के साथ साथ गोवर्धन प्लांट भी लगाए जाएंगे। इससे किसानों को दूध के साथ साथ गोबर से भी कमाई होगी
और बदले में सस्ती जैविक खाद भी मिलेगी। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की तरह हवा में बातें करके विकास नहीं होता, युवाओं को नौकरियां नहीं मिलती। नौकरियों के लिए राजस्थान को निवेश चाहिए, निवेश के लिए ईमानदार शासन चाहिए, शांति चाहिए, अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था चाहिए। ये कांग्रेस के 5 साल में नहीं मिला तो आगे क्या दे सकते हैं वो। कांग्रेस की उपेक्षा के कारण भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पहचान धूमिल हो गई है। यहां कांग्रेस ने बिजली का जो खेल खेला उसने उद्योगों को चौपट कर दिया। कितने ही उद्योग भीलवाड़ा से चले गए हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद भीलवाड़ा के पुराने गौरव को फिर से लौटाने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाएंगे। आपके यहां बिजोलिया तो अपने खनन प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के खनन माफियाओं ने यहां की पहाड़ियों पर जो तबाही मचाई है उसे भी बंद किया जाएगा। भाजपा सरकार का प्रयास है कि हाल में राजस्थान को 2-2 वंदे भारत ट्रेनें मिली है। भीलवाड़ा से होकर उदयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस यहां के लोगों का जीवन सरल कर रही है। साथियों, वोटिंग के लिए अब सब बस कुछ ही दिन बाकी है। भाजपा के हर कार्यकर्ता ने बहुत परिश्रम किया है, राजस्थान की जनता का अभूतपूर्व सहयोग है और इसलिए अब दिन रात कर करके हमें घर घर जा करके भारी मतदान कराना है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इतनी बड़ी सभा हो गई कोटरी में, दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शायद ऐसी सभा बड़ी पहले हुई होगी नहीं, कि भगवान जाने। इतनी बड़ी सभा तो फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप लोग ये सोचेंगे कि भाई चलो अब तो जीत गए सो जाओ। ऐसा तो नहीं होगा ना, बहुत काम कर लिया, अरे इतनी बड़ी सभा कर दी अब तो लोग वोट दे देंगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। घर घर जाओगे, कमल खिलाओगे। देखिए, ये दिवाली अभी अभी गई है और आपने देखा होगा घर में हमारी माताएं बहनें दिवाली में इतनी सफाई करती हैं, कोने कोने में छोटी छोटी बारीक बारीक जगह पर भी सफाई करती है कि नहीं करती है। आपने भी देखा है सफाई करती है कि नहीं करती है। कहीं छोटा सा भी कूड़ा कचरा रहने देती है क्या? देखिए, लोकतंत्र की दिवाली भी 25 तारीख को है। जैसे माताएं बहनें सफाई करती है ना, वैसी सफाई आपको करनी है, करोगे? हर पोलिंग बूथ में कांग्रेस साफ पक्का, कमल के सिवाय कुछ भी नहीं खिलना चाहिए, ये आपकी गारंटी है। मुझे तो जनता जनार्दन की गारंटी ही सुप्रीम लगती है, तो गारंटी पूरी करोगे? अच्छा, आप एक काम और करोगे, मेरा निजी काम है, करोगे? अरे यार, चुनाव वाला तो बड़े जोर से बोलते हो, ये निजी काम वाला धीरे से बोल रहे हो, करोगे क्या? मेरा पर्सनल काम है, पक्का करोगे? अच्छा, एक काम करना, हर परिवार में जाना और हर परिवार में जाकर के कहना कि अपने मोदी जी भीलवाड़ा कोटरी आए थे। सबको बताना घर घर जाकर के कि अपने मोदी जी आए थे। पीएम मोदी मत बताना, अपने मोदी, मैं तो आपका हूं ना। और इसलिए बताना, अपने मोदी जी कोटरी आए थे। और हरेक को कहना
हर परिवार को कहना कि मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। इतना मेरा मैसेज दे देंगे, जब हर परिवार को मेरा राम राम पहुंचेगा ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और जब हर माता बहन से मुझे आशीर्वाद मिलता है ना, तो मेरी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। हर आशीर्वाद में ऊर्जा की जड़ी बूटी होती है, हर आशीर्वाद में संकल्प का सामर्थ्य होता है, हर आशीर्वाद में देश के लिए जीने की बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। और इसलिए हर घर जाकर के मेरा राम राम पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? अच्छा, इतना कड़ा धूप है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं एक संकल्प बोलूंगा, आप दोनों हाथ उठाकर आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। ऐसा नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, कमल चुनेगा, कमल चुनेगा राजस्थान। ऐसे नहीं, मैं बोलता हूं पूरा, आपको रिपीट कीजिए, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं बोलता हूं, उसके बाद बोलना है आपको, ठीक है? भीलवाड़ा का गौरव देश की पहचान, आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। भीलवाड़ा का गौरव देश की पहचान, बहन बेटियों का सम्मान, आस्था संस्कृति का उत्थान, भ्रष्टाचारियों की बंद होगी दुकान, माफिया अपराधी पकड़े कान, तुष्टिकरण का काम तमाम। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe